हेलो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं मक्के की खेती और मक्के की खेती की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम शेयर करेंगे कि मक्के की खेत की तैयारी कैसे करें, उन्नत वैरायटी कौन कौन सी है, सीड रेट क्या है, पौध से पौध की अंतरण कितना रखें और सिंचाई, जल निकास और खरपतवार नियंत्रण कैसे करें, कटाई से लेकर उपज तक की सारी जानकारी इस वीडियो में हम एक एक करके आप लोग को बताएंगे। तो सबसे हम स्टार्ट करते हैं कि मक्के की खेत की तैयारी कैसे करें। तो मक्के की खेत की जो तैयारी है वो मिट्टी पलटने वाले हल से 12 से 15 सेमी गहरी जुताई करना है। उसके बाद जो है 2 से 3 जुताई हैरो से करनी है। मिट्टी को भुरभुरी करके समतल बना लेना है। अब हम उन्नत वैरायटी की बात करते हैं कि मक्के की इम्प्रूव वैरायटी यानी उन्नत वैरायटी कौन कौन सी है। तो देसी वैरायटी में हम बात करें तो देसी में है टाइप 41 और मेरठ पीली, मैनपुरी सफ़ेद। अब हम संकर वैरायटी की बात करें। जो संकर वैरायटी है वो है गंगा सफ़ेद 1, गंगा 2, आशा, ये सभी और सारी भी वैरायटी हैं। अब हम बात करते हैं मक्के में जो है खाद व उर्वरक की। तो देसी जातियों में 60 kg नाइट्रोजन, 30 kg पोटास, 30 kg फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना है। और देसी जातियों में 120 kg नाइट्रोजन, 60-60 kg फास्फोरस पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से। करते हैं बीज दर की। तो देसी मक्का में जो है 16-18 kg प्रति हेक्टेयर बीज की बुआई करनी है। और जो है संकर मक्का में 20-25 kg प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई करना है। अगर आप चारे के लिए बुआई कर रहे हैं तो आपको 40-50 kg प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई करना है। कि जो फसल है सूखा और पानी दोनों के प्रति संवेदनशील होती है। अगर आप जून में बुआई कर रहे हैं तो 2 से 3 सिंचाई की आवश्यकता होती है, नहीं तो आपको 8 से 10 सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ती है। मक्के की फसल के लिए जो है जल की निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए जिससे पानी इकट्ठा ना होने पाए और अब हम बात करते हैं मक्के की फसल में लगने वाले कीट की। तो कीट जो है ग्रास हॉपर, पत्ती लपेटक, तना छेदक, इन सभी कीटों के लिए इंडोसल्फान 35 EC 1.5 लीटर पानी के घोल में 1000 लीटर पानी में मिलाकर अंकुरण से पूर्व छिड़काव करते हैं तो इन कीटों से फसलों को बचाया जा सकता है। मक्के की फसल की कटाई कब करें? तो देसी जातियां 75-80 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। संकर जातियां 100-120 दिन में पककर तैयार होती हैं। अब हम बात करते हैं उपज की। तो उपज जो है संकर जातियां की उपज 40-45 कुंटल हेक्टेयर होता है और देसी जातियां 10-15 कुंटल हेक्टेयर होता है। तो दोस्तों ये रही मक्का की संपूर्ण जानकारी। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।